अलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मंदी। ये रहा प्याज और मैं कुकर चढ़ाती हूँ और यहाँ पे मेरे मसाले देख सकते हैं। छोटा सा घर है हमारा, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे मंदी बना रही हूँ। यहाँ पे प्याज मैंने काट लिया है। अभी मुझे गरम मसाला चाहिए, तो मैं गरम मसाला, हाँ ये काली मिर्च तो मुझे चाहिए। और रहा कहाँ, हाँ इसमें मैं गरम मसाला रखती हूँ। चलिए, और ये है मेरा प्याज जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर की थी। चलिए मैं अब आपको बनाना बताती हूँ। पहले से थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इलायची 3 ली हूँ, और ये 3 तेज़पत्ता, और लौंग 4, और काली मिर्च और जीरा। चलिए इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। रेडीमेड मेरे अम्मी पीस के दिए थे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ऑलरेडी मेरे पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पीस सकते हैं। या आपके पास खड़ा लहसुन है तो आप डायरेक्ट खड़ा लहसुन बिना छिले भी डाल सकते हैं, उसका फ्रैगनेस बहुत अच्छा आता है। चलिए आप ये पेस्ट डाल। चलिए एक चम्मच, आने के लिए अभी हम इसको आंच धीमे से कर देते हैं। इसको मैं रख देती हूँ और इसे मैं डालेंगे प्याज। और आप हाथ जरूर धो, खाना बनाने से पहले अच्छे से धो लेना, उसके बाद आप हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली सब धोते हैं, मैं लेफ्ट हैंड से डाल रही थी, तो बस मैं बताना चाहती थी कि मैंने अच्छे से हाथ धोकर फिर मैंने लेफ्ट हैंड लिखा। तो अभी मेरे पास ये वाला चम्मच है, मैं ये वाला चम्मच यूज करती हूँ और इसको अच्छा हल्के से इसको भून लेना है। चलिए इसको अच्छे से भूने। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। चलिए इसमें नमक डाल देते हैं। इसमें नमक डालने के बाद आपको दूसरा मसाला डालते हैं। मेरा से किचन थोड़ा पकाते वक्त थोड़ा मेस कहीं रहता है, तो आप उस पर ध्यान मत देना, पर बाद में मैं पूरा सफाई कर देती हूँ। ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा लाल मिर्च, क्योंकि मैं हरी मिर्च यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं लाल मिर्च थोड़ा सा डाल लेती हूँ। वैसे तो काली मिर्च हम ऑलरेडी डाले हैं। और इस पे थोड़ा सा हल्दी ले लेती हूँ, थोड़ा सा काफी है, और थोड़ा सा ये है धनिया पाउडर। ज्यादातर लोग धनिया पाउडर यूज नहीं करते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये धनिया पाउडर, इसको ढक्कन से ढक देते हैं। तो अब हम लेंगे चावल। इसमें मैं चावल यूजली रखी हूँ, बिरयानी राइस। हमेशा जो भी खाना रखते हैं ढक के रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली कभी चीटी चले जाता है, कभी कोई कीड़ा या कुछ ना कुछ चला जाता है। तो मैं इसको हमेशा कवर में अच्छे से रबर बैंड डाल के इसको ढक के रखती हूँ। ये है मेरा ग्लास, इससे मैं 1.5 ग्लास डालूंगी। ये मेरा बड़ा सा बॉल है, कुछ भी वॉश करने के लिए, केक बनाती हूँ तब मैं इस्तेमाल करती हूँ। चलिए ये, और ये चावल है इंडिया गेट बासमती सुपर राइस, बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा बनाने से भी आप वो का राइस इतना फूल जाता है। चलिए मैं अब इसको प्याले ग्लास में ले लेती हूँ। ये रहा ये ग्लास भर के। चलिए मैं और आधा ग्लास ले लेती हूँ। तो ये रहा आधे से ज़्यादा चावल, पर
हम लोग कम खाते हैं चावल, तो इसीलिए मैं एग्जैक्ट आधा ग्लास ले रही हूँ। चलिए इसका आधा ग्लास का चावल डाल देते हैं। अब इसको मैं थोड़ा धो के पानी में थोड़ी देर छोड़ दूंगी। और जब भी आप चावल निकालते हैं तो थोड़ा सा छोटे प्याले से ही निकालना, इससे मेजरमेंट ग्लास में डालने के लिए आसानी है। तो ये मैं रख, कभी कभी मैं छोटे प्लास्टिक का रख देती हूँ बात करने के लिए। चलिए इसको फिर से रबर बैंड डाल के मैं जैसे इस कवर में रखती रख देती हूँ। तो मैं इसको वापस रबर बैंड डाल दी हूँ इस तरह से। अब इसको ये कवर में मैं रख देती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से पैक करके फिर से मैं रख देती हूँ नीचे। जब भी मैं कभी बनाती हूँ तो नीचे से इतना है, अभी भी ये नया सा घर है तो हम लोग ऐसे ही आ गए हैं क्योंकि जल्दी में हमें शिफ्ट करना था। तो अभी ओनर्स इसका सब बना के देंगे तो इसलिए मैं ऐसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए अब ये जो चावल ली हूँ इसको हम अच्छे से धो लेते हैं और थोड़ा थोड़े भीगने डालते हैं। फिर हम चिकन जो मैं मैरिनेट करके इस डिब्बे में रखी हूँ इसको मैं बताती हूँ। इसका मसाला भी मैं बोल देती हूँ, बहुत इजी मसाला है, आप इसको आराम से लगा के मैरिनेट के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ रहा मैं, आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ पानी में। मेरा स्वेटर का ये इसलिए उसको ऊपर ले ली हूँ। इसको अच्छे से वॉश कर लेना, ज़्यादा देर भी नहीं रखना है क्योंकि ये चावल टूट जाता है। तो इसको मैं 3-4 टाइम वॉश कर देती हूँ, फिर इसको आपको अगला प्रोसेस बताती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से तीन बार अच्छे से धो के फिर से पानी में डाल दी हूँ। थोड़ा सा ये भीगने दूंगी, अब इसको फिर से चलाऊंगी। फिर आपको मैं इस डिब्बे में चिकन मैरिनेट हुआ है, ये जिप लॉक कवर है जो मेरे पास था, तो उसी का कवर में मैं चिकन रखी हूँ। चलिए आपको मैं चिकन बता दूँ। ये रहा ग्रीन कलर का डब्बा, अब इसमें पूरा चिकन रखी हूँ, आपको मैं अभी बताती हूँ। ये रहा चिकन का डब्बा, ये खुल गया है, ये मैंने मैरिनेट करके लगा दिया है। इसका सिंपल सा मसाला है, बस लाल मिर्च और थोड़ा सा काली मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और क्या लगाई थी मैं, जीरा पाउडर और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल जो राय का तेल है। अगर आपको वो तेल पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल तेल भी लगा सकते हैं। और इसको अच्छे से नमक और इसको अच्छे से मैरिनेट, आपको दही चाहिए तो आप दही डाल सकते हैं, मैं इस पर दही नहीं डाली हूँ, अच्छे से मैरिनेट करके आप रख सकते हैं। ऐसे ऐसे चिकन आप अगर शॉप में भी जा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि होल चिकन चाहिए तो शॉप वाले आपको ऐसा ही चिकन दे देंगे। और ये बनाने में भी आसान है। और यही मसाला मैं तंदूरी चिकन को भी डाली थी। अब चलिए इसी को मैं अभी बना के बताती हूँ। ये देखिए चिकन कैसा है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ऑलरेडी मैरिनेट है, मसाला लगा के आपको फ्रिज में रख देना है 1 घंटा या आधा घंटा, या आप रात में भी लगा के रखते हैं तो और अच्छी बात है। अब मैं इसको स्टोव ऑफ कर दी थी, अभी मैं ऑन कर देती हूँ क्योंकि मुझे चावल सब धोना था। चलिए अब हम बनाते हैं मंदी। तो इसमें अदरक लहसुन जो सब मैं बताई थी वही मसाला है, इसको अच्छे से थोड़ा सा सॉटे कर लेना, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लाल होना है प्याज। फिर इस पर हम डालेंगे चावल और फिर हम डालेंगे इसमें पानी और फिर हम इसको चिकन ऊपर रखेंगे और वही पानी से ये पकेगा। ये मैंने वॉश कर ली हूँ, आप देख सकते हैं अच्छे से चावल वॉश कर। आप भी इसी तरह से बॉल मार्केट में मिल जाता है या कहीं भी मॉल में मिल जाता है। इसका दाम भी मैं आपको बता देती हूँ, यह है 195 और मुझे कुछ डिस्काउंट मिला था 150 या 130 या कुछ 40 कुछ। तो चलिए ये थोड़ा सा आप इसे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, घर पर आप फिलहाल हरी मिर्च अवेलेबल नहीं था जो, तो ये नहीं कि आपको वही इंग्रेडिएंट चाहिए तो आप कुछ बना के ना खाएं, जो भी अवेलेबल घर पे होता है मैं इसी से बना देती हूँ। चलिए अब हम इस चावल को इसमें डाल देते हैं। मैं इसमें अच्छे से चावल डाल दी हूँ, इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं, फिर हम पानी इसमें डाल के चिकन को भाप में रखते हैं। और मंदी बनाने का मसाला बहुत ही कम होता है क्योंकि इसमें हम कम मसाले से बनाते हैं, तो
चलिए आप इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम चिकन रखते हैं, उसी के चिकन के भाप से और उसी के शेरवे से जो सूप निकलेगा चिकन का ये इसमें गिरेगा और उसी से मंदी बनती है। चलिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें हम पानी डालेंगे। मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल की हूँ तो इसीलिए एक रंग ऐसा आया। आप हरी मिर्च भी कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा हल्का सा कलर दिखेगा।